आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मधुपुरी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 11 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 13 किलोमीटर है। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान वेद प्रकाश ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान वेद प्रकाश और सचिव राजीव कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। चार वर्षों में किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी यहां बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के मधुपुरी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं जी। अब तक क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में आपने कराया? जैसा कि आपने बताया दो गांव आपके यहां पर लगते हैं, तो दोनों ही गांव में कितना विकास कार्य अब तक करवा चुके हैं? दोनों ही गांव में काफी विकास कार्य कराया है जी। मधुपुरी में, जैसे कि मधुपुरी में सभी रास्ते सीधे रास्ते करा दिए गए हैं जी। और तीन मेरे ग्राम पंचायत में स्कूल है जी, दो प्राथमिक विद्यालय, दो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, उन्हीं में भी जो काम ठीक कराया है। कायाकल्प के अंतर्गत उसमें सौंदर्यीकरण सारा करा दिया है जी। ये जो कायाकल्प के अंतर्गत जितना सौंदर्यीकरण अब करवाया गया है, इसके बाद पिछले कई सालों से और अब में आपने कुछ बदलाव मतलब महसूस किया है? जैसे छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, शिक्षा का स्तर कुछ बेहतर हुआ हो? हाँ, काफी बदलाव हुआ है। शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, छात्र संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि पहले बच्चे टाट पट्टी बैठते थे, अब बेंचों पर बैठ रहे हैं। फर्नीचर का इंतजाम कर दिया गया है जी। अब जो क्या आप समय समय पर जाकर वहाँ देखते हैं, समय देते हैं विद्यालय में, जैसे मिड डे मील वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं समय समय पर जाकर देखता रहता हूँ। समय देते हैं आप? ये ODF हो चुकी है ग्राम पंचायत? ODF हो चुकी है। आवास बने हैं यहाँ लोगों? आवास कोई नहीं बना है एक भी नहीं जी। क्या परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ, आवासों की जरूरत है। कितने परिवार लगभग होंगे? 70-80 परिवार हैं। 70-80 परिवार हैं। जैसे सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार की उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ आपके गांव में सभी लोग ले पाते हैं? हाँ, इसका तो सभी लोग हो गया है। उज्ज्वला कनेक्शन के अलावा कनेक्शन भी करा दिए गए हैं, और सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन भी करा दिए गए जी। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन वगैरह मिल रही है। सामूहिक विवाह हुए हैं गाँव में? सामूहिक विवाह नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बने हुए हैं? कार्ड, राशन कार्ड काफी बने हुए जी। शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये बने हुए हैं गांव में? शमशान घाट एक बना है सुनारी में जी, कब्रिस्तान है वो, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाला। गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत में जो मधुपुरी हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें एक तो शमशान घाट की आवश्यकता है, शमशान घाट नहीं है जी। और भी कई सारे काम जैसे बारात घर, पंचायत भवन, बारात घर नहीं है हमारे यहाँ कोई भी जी। बारात घर होना बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। पंचायत घर तो है, बना हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र बना है जी। यहाँ पर अस्पताल कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? अस्पताल यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। क्या उससे पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ कोई नहीं है? जयपुर में बताओ, बंद पड़ा है। बंद पड़ा है मतलब कि तो काफी समय से बेकार ही बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, उसकी कोई बैठती नहीं है, काफी समय कोई बैठते नहीं है डॉक्टर। तो यहाँ मरीजों को दवाई या इलाज के लिए 12 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है, काफी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ता होगा। आपने कभी अस्पताल को लेकर के यहाँ मांग रखी है? हाँ, काफी बार कहा है जी अस्पताल के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या ग्राम समाज की जगह है? ग्राम समाज की जगह है, खेल का मैदान बना है काफी, खेल का मैदान बना हुआ है। और कोई समस्या आप ऐसी महसूस करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में, जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से ध्यान दे या कोई मदद मुहैया यहाँ पर करवाए आपके लिए? हमारी ग्राम पंचायत में एक तो स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, इंटर कॉलेज की बहुत आवश्यकता है जी, इंटर कॉलेज बनना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। प्रधान जी, जैसे कि ये महामारी फैली हुई है इस समय कोरोना वायरस को लेकर के, और इससे पहले डेंगू इस जैसी कई बीमारियां फैली हुई थी, हमारी सरकार ने काफी सुविधाएं यहाँ जनता को उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि मशीन, दवाई, छिड़काव वगैरह के लिए। इसमें आपने अपने स्तर पर यहाँ गांव में क्या छिड़काव दवाइयों का या मशीन का जो है उपयोग यहाँ गाँव में अपनी ग्राम पंचायत में आप कर रहे हैं? लगातार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार कराया था जी, लगातार नहीं हो रहा। बाकी अब आपकी कोशिश है कि जिस तरह की बीमारियां फैली हुई है, इसके लिए आप अपने स्तर पर इसमें लोगों की मदद
काफी अच्छा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर सही है जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, ओडीए भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, शमशान घाट का निर्माण भी यहाँ प्रधान द्वारा अपने कार्यकाल में करवाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ मौजूद हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर का यहाँ होना जरूरी है जो अभी तक निर्मित नहीं है। सबसे प्रमुख मांग यहाँ जो सामने आई है वो अस्पताल को लेकर है, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, मरीजों को काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार यहाँ अस्पताल को लेकर मांग रखी भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसके निर्माण की कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। असफली के साथ मनाजिम।